तो भाई मेरे 20 पैसा का घोड़ा मैच कैच किए ना लास्ट मैच में। क्या बोला था आपको लास्ट वीडियो में, जो कि लखनऊ वर्सेस जीटी का मैच था, उसमें बोला था कि लखनऊ आपको लो ऑड्स लगेगी, बुक सेट कर लेना। सेम वही हुआ, जीटी 20 पैसा से लखनऊ आपको 20 पैसा से लगी, मोटा माल कमा के मैच में उठे हो। वही मुंबई वर्सेस दिल्ली का मैच है, क्या बोला था, मुंबई पकड़ के चलना, मुंबई आपको जीतती जीतेगी, और वही हुआ मैच में। जैसा बोल रहा हूँ वैसा स्क्रिप्टेड मैच हो रहा है, स्क्रिप्टेड मैच की वीडियो दे रहा हूँ हर वीडियो में। तो भाई मेरे आईपीएल का 22वां मैच है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अनबीटन है, और चेन्नई 2-2 मैच हार के आ रही है। अगर पॉइंट टेबल पर देखोगे अभी भी तीसरे पोजीशन पे है, कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे पोजीशन पे है। तो मैच में हर वीडियो की तरह इस वीडियो में बताऊंगा मैच में क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी, वीडियो देखिए समझ जाओगे सब कुछ आप, और सेशन क्या होने वाला है, पिच रिपोर्ट क्या होने वाला है, रिकॉर्ड क्या है, दोनों टीम का प्लेइंग 11 क्या है, A to Z फैंटेसी टीम भी आपको यहां पे दूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, कौन जीतेगा ये वीडियो देख के आपको समझ में आने वाला है। 8 अप्रैल को 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मैच खेला जाएगा चेन्नई में चेपक स्टेडियम में, एम एच चिदम्बरम में मैच होगा। भाई मेरे विक्रम अजडेया मैं बोल रहा हूँ और ध्यान में रखिएगा, दो नंबर से हम अपडेट करते हैं 9319409525, सेकेंडरी नंबर है 7290011199। दोनों नंबर के अलावा मेरे नाम से फर्जीवाड़ा होगा, दोनों नंबर के अलावा किसी नंबर से आपको मैसेज आए सीधा ब्लॉक कीजिएगा। और ध्यान में रखिएगा हर वीडियो में, अब मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में कमेंट सेक्शन में, तो जाइए ज्वाइन कीजिए, काफी प्रॉफिटेबल काम दिया जा रहा है आईपीएल में। अगर लॉस में हो तो लॉस कवर करा के दिया जाएगा, काम चेक कर लेना भाई मेरे, मार्केट को चैलेंज है, इससे बेहतरीन आपको कहीं भी काम नहीं मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, चेपक का चिदम्बरम स्टेडियम कैसा बिहेव करता है तो जानेंगे। टोटल 132 मैच इस पिच पे खेले जा चुके हैं, 70 फर्स्ट बैट और 60 सेकंड बैट, काफी डिफेंडिंग नेचर का पिच यहाँ पे देखने को आपको रिकॉर्ड से ही लग रहा है कि डिफेंडिंग नेचर का पिच है। 159 का एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोरिंग वाला पिच है, 160-170 ऐसे रन लगते हैं। देखो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे देखोगे 246 सीएसके ने हाईएस्ट बनाया, 70/10 आरसीबी का लोएस्ट है, बिलो 150 मैचों में 50-69 40 मैचों में, 170-89 22 मैचों में, अबव 190 20 मैचों में स्कोर लगे हैं। लास्ट दो मैच देखो, फ्रेश विकेट पे मैच हुआ था, लास्ट दो मैच आपको जो लगना था लग गया, 173 रन लगा चेस हुआ, 206 रन लगा जीटी के अगेंस्ट, सीएसके ने डिपेंड किया, दोनों सीएसके ने टीम जीती। तो धीरे धीरे पिच अब स्लो होते जाएगा, स्लो नेचर का हो जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड स्कोर देखोगे 170 प्लस माइनस 8 रन ले लेना, यही जो कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर आपको लगते हुए दिखाई देगा। थोड़ा पिच पे लास्ट दो मैचों में भी दिखा था, पेसर को विकेट मिला था, ज्यादा विकेट मिला था, 23 विकेट पेसर को मिला था, और दो मैचों का बता रहा हूं, और चार विकेट जो कि आपको स्पिनर को मिला था। ध्यान में रखिएगा अब स्पिन अटैक यहां पे विकेट लेना स्टार्ट करेगा, स्पिनर को मदद मिलेगा, जडेजा है, तिक्साना है, उधर से भी वहां पर नरेन है, ऐसे बॉलर अब इस पिच पे अपना कमाल करते हुए दिखाई देंगे जो कि देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे जो कि 160 बिलो 165 बिलो 160 बिलो आसानी से यहां पे चेसेबल होगा, जहां 180 प्लस स्कोर बनेगा, थोड़ा डिफेंडिंग नेचर का मैच होगा। हेड टू हेड बात करेंगे टोटल यहां पे, जो कि देख सकते हो दोनों टीम अभी तक 30 बार भिड़ चुकी है, 19 सीएसके ने और 11 कोलकाता ने। चेन्नई का पलड़ा सीएसके का पलड़ा भारी है देख सकते हो, और कोलकाता 10 मैच जीती है, 11 में से 10 मैच चेन्नई के अगेंस्ट चेस करके जीती है, मात्र एक मैच डिफेंड करा के जीती है। लास्ट 5 मैच का रिकॉर्ड देख सकते हो, जब चेपक पे दोनों टीम भिड़ी थी लास्ट बार भिड़ी थी 2023 में, आईपीएल को 2023 में 144 सीएसके ने बनाया था, आसानी से केकेआर ने चेस किया था, 235 इससे पहले डिफेंड, 131 192 172 ये सब आपको अलग अलग पिच पे रिकॉर्ड है। अब बात करेंगे सीएसके, लास्ट 5 में से 3 जीत के आ रही है, 2 कोलकाता जीत के आ रही है। इस वेन्यू पे यानी कि चेपक स्टेडियम चिदम्बरम में कैसा, दोनों टीम के क्या रिकॉर्ड है देखने को मिलेगा। 9 मैच दोनों टीम खेल चुकी है, चेन्नई ने 6 जीता है, 3 कोलकाता ने जीता है, और तीनों मैच कोलकाता ने चेस करके जीता है, अभी तक इस पिच पे डिफेंड करके नहीं जीता है। वही चेन्नई की बात करेंगे, चेन्नई 3 डिफेंड करके और 3 चेस करके जीती है, जो कि स्कोरिंग कोलकाता चेस किया है 144 139 190 इन दोनों टीमों के बीच इस पिच पे जब भी मैच होता है 150 के आसपास वाले बहुत स्कोर देखे गए हैं देख सकते हो। अगर स्कोरिंग पैटर्न देखोगे 150 बिलो 6 मैच में लगे हैं, 6 में से 9 मैच में ये आपको 150 बिलो का स्कोर लगा है, बाकी अबव 190 2 मैचों में, 150-69 1 मैच में, लास्ट 5 मैचों का स्कोर आपके सामने है, जिसमें लास्ट 5 मैच में 3 सीएसके और 2 केकेआर, इस पिच का रिकॉर्ड है यहाँ पे आपको नजर आएगा 144 111 134 काफी लो स्कोरिंग वाला मैच देखने को मिलता है दोनों टीम के बीच और चेस हो जाता है। टीम परफॉर्मेंस की बात करें चेन्नई में, जो कि चेन्नई 62 मैच यानी 62 मैच टोटल इस पिच पे खेल चुकी है, जो कि सीएसके ने 45 जीता है, 18 हारी है, कोलकाता 9 मैच खेली है, 3 मात्र जीती है, ध्यान में रखिएगा इस बात को।
चेन्नई का होम पिच का एडवांटेज मिलता है इस पिच पे, और लास्ट दो मैच स्टार्टिंग दो मैच चेन्नई जीती तो होम पिच का एडवांटेज था, होम पिच पे जीती चेन्नई। दो मैच होम पिच पे जीतने के बाद दो कंटिन्यू होम अवे हारते हुए आ रही है कोलकाता। तीन मैच कंटिन्यू जो कि एसआरएस को हराई अपने होम पिच पे, फिर यहाँ पे लास्ट मैच डीसी से आ रही और आरसीबी से जीती और डीसी से जीती, कंटिन्यू तीन मैच जीत के आ रही है। टीम न्यूज बात करेंगे चेन्नई की तरफ से, मतीसा पथिराना जो कि इम्पोर्टेंस बॉलर है, दो इनके पेस अटैक अभी भी डाउट में है खेलेंगे कि ना, क्योंकि मतीसा पथिराना थोड़ा इंजर्ड चल रहे थे लास्ट मैच एसआरएस से अगेंस्ट अनअवेलेबल थे। वही मुस्तफिजुर अभी जो कि वीजा लेने वीजा के अप्लाई करने के लिए गए थे वो अभी अराइव नहीं, मतलब चेन्नई में आए नहीं है, अभी भी अनअवेलेबल है। तो दोनों अभी डाउट में है, दोनों प्लेयर अभी जो कि इनके मेन पेस अटैक का लीड करते हैं वो अभी डाउट है नहीं खेल पाएंगे। नीतीश राणा जो कि कम बैक कर सकते हैं इस मैच में, और इन्होंने अपने ट्वीट पे ये ट्वीट किया था कि वो आ रहे हैं। हर्षित राणा प्लेइंग 11 में रहेंगे। अब प्लेइंग 11 देखेंगे जो कि दोनों टीम का प्लेइंग 11, चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डेरी मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, एम एस धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, तिक्साना। कोलकाता की बात करें, फिलिप सॉल्ट, सुनील लनरे, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, रघुवंशी, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। इंपैक्ट प्लेयर में केकेआर का वैभव अरोरा, सुयश शर्मा, ज्यादातर चांसेस सुयश शर्मा को यहां पे आगे लाया जाएगा, रिजवी, पथिराना और ठाकुर जो कि इंपैक्ट प्लेयर में चेन्नई की तरफ रहेंगे। भाई मेरे दोनों टीम के प्लेइंग 11 आपके सामने है, देख सकते हो, जहां कंपेरिजन में कोलकाता के सारे प्लेयर अभी फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे डेप्थ में ले लो, चाहे ओपनिंग ऑर्डर ले लो, नरेन को यहाँ पे आगे भेज रही है टीम। नरेन दो मैचों में शानदार परफॉर्म दिया है। चेन्नई की बात करें, जहाँ इनकी मिडिल ऑर्डर आ रही है या फिर वो टॉप ऑर्डर, अभी भी देख लो ऋतुराज और रचिन रविंद्र फॉर्म में नहीं है, मिडिल ऑर्डर टेस्ट खेलना स्टार्ट कर दे रहे हैं, लास्ट मैच में भी एसआरएस के अगेंस्ट ये देखा गया टेस्ट मैच की तरह खेल रहे हैं। तो होम पिच है, थोड़ा होम पिच पे अपने आप को जैसे जेडी मिचेल है आगे बढ़ाना चाहेंगे। शिवम दुबे तो स्पिन को अच्छा खेलता ही है, शिवम दुबे एक फॉर्म में है, एक प्लेयर के अलावा इसके कोई भी प्लेयर उतना बैटिंग ऑर्डर में फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोनों टीम का एनालिसिस आपको देख रहा है, कोलकाता जहां भारी पड़ रही है चेन्नई पे, लेकिन होम टीम का एडवांटेज मिलता है किसी भी टीम को, चेन्नई देखो यहां पे अपने आप को आगे करेगी दो मैच हारने के बाद। ड्रीम 11 टीम बनाया हूं उसको देख लो, फिलिप सॉल्ट, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, मिचेल स्टार्क, दीपक चहर, हर्षित राणा। रसेल को यहाँ पे कैप्टन बना रहा हूँ, नरेन को वाइस कैप्टन, क्योंकि नरेन दो मैचों से कंटिन्यू बैटिंग से परफॉर्म कर रहा है, विकेट ले ही लेगा इस पिच पे। भाई मेरे अब प्रिडिक्शन से रिलेटेड बता दूं, जो भी टीम फर्स्ट पैड पे आएगी 175 प्लस स्कोर बनाएगी यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा इस पिच पे, या तो बुक सेट करा के जाएगी, लो लग के जाएगी, ध्यान में रखिएगा इस बात का। 165 बिलो आसानी से चेसेबल स्कोर होगा इस पिच पे, कोई बड़ा स्कोर नहीं है इस पिच के लिए, 165 बिलो आसानी से चेसेबल होगा। अब कुछ भी पूछना हो मैच सेशन से रिलेटेड आपको, तो ध्यान में रखिएगा, आपको मैच में जानना हो कौन जीतेगा, क्या होने वाला मैच में, सेशन क्या है, दोनों नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी नंबर फर्स्ट आप पहले पे कॉन्टैक्ट कर लेना, रिप्लाई ना मिले तभी दूसरे पे मैसेज करना, 9319409525। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया गया है लिंक, ज्वाइन कीजिए। कमाना चाहते हो आईपीएल में, आपको शानदार काम दिया जा रहा है, मार्केट को चैलेंज हो कोई ऐसा काम नहीं देगा, आप टेलीग्राम का लिंक कमेंट में भी मिल जाएगा, वहां पे भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो चाहते तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।